हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले नीट 2023 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है टोटल सिलेबस कितना है और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यानी कि जो 30% कोर्स आपका रिड्यूस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 की वजह से, जो आपके पास नई एनसीईआरटी है उसमें 30% कोर्स रिड्यूस आता है, पर जो नीट में है वहाँ पर आपका पूरा कोर्स आता है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जो आपके पास नई एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन से चैप्टर नहीं है, यानी कि जो नई एनसीईआरटी आती है उसमें आपको जो है कुछ चैप्टर कम मिल सकते हैं, क्योंकि 30% जो है कोर्स रिड्यूस कर दिया गया था, तो आप दे सकते हैं इसमें। तो हम पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की, फिर बात करेंगे हम फिजिक्स की कि कितने कितने टोटल चैप्टर हैं और आपको वही चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने रहा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको देख सकते हैं जो पहला दिया है क्लास 11th, और दूसरा दिया है यहाँ पर क्लास 12th के जो है यहाँ पर यूनिट्स दी हुई हैं, आप देख लीजिए। यानी जो क्लास 11th में यूनिट्स हैं वो 14 है टोटल, और क्लास 12th में है वो 16 है। आप देख लीजिए कौन कौन से लेसन है, आप पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको हम एक PDF प्रोवाइड करा देंगे पूरी लिस्ट की, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं अगर आपको सही से इसमें ना दिखाई दे। तो इसमें देख लीजिए जो क्लास 11th में पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और चौथा जो है केमिकल बॉन्डिंग। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, स्टेट मैटर है और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, और भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जितनी भी हैं सब इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे लेसन जो आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिल सकते हैं। और जो आपका लास्ट लेसन है वह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर हम बात करें 12th में कि 12th में टोटल कितने लेसन हैं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पर यूनिट्स हैं वह हैं आपको जो 16 मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर जो आता है वो आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और चौथा है केमिकल जो काइनेटिक्स है, और सरफेस केमिस्ट्री और पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, और भी इतने सब देख लीजिए, हेलो एल्केन, हेलो एरिन जो भी हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, और जितने भी हैं सब आप देख लीजिए इसमें। आप देख लीजिए, आपको हम PDF अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बात करते हैं हम फिजिक्स में कितने कितने चैप्टर हैं। तो फिजिक्स का जो लिस्ट है ये आपके सामने, इसमें भी आपको सब अलग अलग दिया हुआ है, आप देख लीजिए क्लास 11th और क्लास 12th का आपको जो अलग अलग दिया हुआ है। तो क्लास 11th में आप सिलेबस देख लीजिए कि कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है, और क्लास जो 12th में आप देख लीजिए कितना कितना सिलेबस है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्लास 11th की कि इसमें कितने टोटल यूनिट्स हैं और टोटल कितने समय चैप्टर हैं। आप देख लीजिए इसमें जो आपको दिया हुआ है क्लास 11th में जो आपको यूनिट देखने को मिलेंगे, इसमें टोटल यूनिट्स जो हैं 5 हैं, और चैप्टर की बात करें तो इसमें चैप्टर आपके टोटल 8 हैं। जो पहला यूनिट आपका आता है वो आता है इलेक्ट्रो स्टेटिक्स, और दूसरा आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये सब आप देख लीजिए पूरे यूनिट दिए हुए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ये सब आपके यूनिट्स आते हैं क्लास 11th में। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो आपके जो टोटल यहाँ पर चैप्टर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको टोटल 10 चैप्टर मिलेंगे। पहला है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, जो है आपको पूरे चैप्टर इसमें मिलेंगे। आपको सिर्फ यही चैप्टर तैयार करना है। आपको पूरा सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। बायोलॉजी का जो सिलेबस मैंने इसका अलग वीडियो बनाया है। अब आपको हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, जहाँ से नीट में हर बार भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको हम एक अगली वीडियो में बना देंगे, जो जितने जितने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन तो सब कहीं से आते हैं पर कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।